हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में दोस्तों लगे होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट टुडे को मैंने यहां पर दोस्तों क्या लगा रखा है, यहां पर मैंने इसे काटा लगा रखा है। यानी एक बार फिर से वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। यानी आज सुबह एक आधिकारिक बयान आया है रमा शर्मा जी का। उन्होंने कहा कि आज 16 फरवरी को सीबीएसई द्वारा कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। जैसे कि पिछले एक हफ्ते से लगातार कहा जा रहा था तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि रिजल्ट जो है 16 फरवरी के दिन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट आज आधिकारिक बयान आया है कि 16 फरवरी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और मुझे 100% दोस्तों पता था कि यही होने वाला है, क्योंकि भले ही सीबीएसई के अधिकारी रिजल्ट की डेट का अनाउंस ना करें, रिजल्ट ना दे, बट ये जरूर करने के लिए आते हैं कि भाई आप किसी अफवाह पर ध्यान ना दे या आज रिजल्ट नहीं आएगा, बट ये नहीं बताएंगे भाई। ये अगर बता देंगे रिजल्ट आ जाएगा तो भाई विद्यार्थियों को भला नहीं हो जाएगा। ये चाहते हैं कि विद्यार्थी असमंजस में रहे, चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो असमंजस में रहे और वो पढ़ाई ना कर पाए। तो ये मिलकर विद्यार्थियों को के साथ पूरे यानी इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी एक बार आप ऑफिशियल अपना नोटिफिकेशन दे दीजिए, अगर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो बता दीजिए कि हम डिक्लेयर करने वाले हैं, नहीं करना है तो भी बता दीजिए। ये जो लुका छुपी का लगातार खेल चल रहा है वो बंद कर दीजिए ना। विद्यार्थियों के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की तैयारी करने दीजिए, आप डिक्लेयर कर दीजिए भाई हम एग्जाम के आपका फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्या तरीका हो गया कि एक बार आपने कहा भाई हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, बट आप ये नहीं बताते कि हम कब करेंगे। आप कहते हो कि भाई अभी जो है चेकिंग की जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हुई है। कौन सी चेकिंग कर रहे हो, मंगलयान ग्रह का चेकिंग कर रहे हो या कोई रिसर्च कर रहे हो। दसवीं क्लास के क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के पेपर फर्स्ट टर्म नहीं चेक पा रहे हो तो कितनी बड़ी संस्था होकर फिर क्या करोगे आप, है ना। इतनी बड़ी संस्था सी बेसी है, वो एक बच्चों के एग्जाम के पेपर नहीं चेक पा रही इतने समय से, तो आखिर होगा क्या फिर भविष्य में। तो दोस्तों मेरी यही आप सभी रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी प्रकार के रिजल्ट की वेट नहीं करना है। आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए जो 26 अप्रैल से होने वाला है। तो ऐसे में रिजल्ट तो आएगा नहीं, हमारा ध्यान इधर ही लगा रहेगा और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आप इस सभी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और आधिकारिक बयान जो आ चुका है कि रमा शर्मा मैम ने कहा है कि आज कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, तो रिजल्ट तो आएगा नहीं और एक और दिन वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस हमारे जो भी समय बचा होगा उसमें आपको बस पढ़ाई करनी है, रिजल्ट की तैयारी करनी है, माफ कीजिएगा एग्जाम की तैयारी करनी है। बाकी रिजल्ट आए या ना आए ये इन अधिकारियों पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सुनने वाले नहीं छात्रों के, इन्हें कुछ नहीं, तो इन्हें थोड़ी ना पता होता भाई एग्जाम क्या होता है। ये अधिकारी बन गए अब इन्हें वो निश्चिंत हो गए भाई, ये इन्हें अपनी पोस्ट मिल गई, बस छात्रों के भविष्य के साथ ये किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं ये नहीं सोच रहे हैं। बस ये कहना था दोस्तों कि आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, रिजल्ट की वेट बिल्कुल ही मत कीजिए, रिजल्ट नहीं आ रहा आज। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, द पॉलिटिकल मास्टर चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। और आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है ये फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।